लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। करीब 4 साल खाली बैठने के बाद बॉबी देओल फिर से अपने करियर की लगाम पकड़ ली है। अब वो इसे छोड़ना नहीं चाहते। बॉबी फिलहाल अपनी अपकमिंग फिल्म हाउसफुल 4 की शूटिंग कर रहे हैं। बॉबी ने सलमान खान की फिल्म रेस 3 से दमदार वापसी की है। फिल्म भले फ्लॉप रही हो लेकिन बॉबी के काम को पसंद किया गया। इसी के साथ बॉबी देओल के पास हाउसफुल 4 के अलावा 2 और बड़ी फिल्में हैं। इसमें एक यमला पगला दीवाना फिर से है और दूसरी सलमान खान की भारत है। भारत में भी बॉबी का मुख्य रोल होगा। 5 साल तक बॉबी ने करीब 7 फिल्मों में काम किया लेकिन सब की सब फ्लॉप हुई। फिर साल 2002 में बॉबी की फिल्म हमराज ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की थी। फिल्म में बॉबी के अलावा अमीषा पटेल और अक्षय खन्ना ने भी जबरदस्त एक्टिंग की थी। 2002 के बाद से बॉबी की अब तक कोई हिट फिल्म नहीं आई है। बीच में तो उन्हें काम मिलना भी बंद हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि बॉबी की फिल्में नहीं चली इसलिए वो कंगाल हो गए। बॉबी आज भी करीब 205 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। बॉबी के पास 3 लग्जरी कार हैं जिनकी कीमत करीब 5 करोड़ रुपए है। बॉबी फिल्मों के अलावा एक हाई क्लास रेस्तरां भी चलाते हैं। बॉबी के मुंबई में 2 चाइनीज रेस्तरां हैं जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर कमाल का है। बॉबी के एक रेस्तरां का नाम समत प्लेसिल्स है जो साल 2006 से चल रहा है। इसके अलावा दूसरे रेस्तरां का नाम सुहाना है। इसके अलावा कुछ समय पहले बॉबी ने डीजे का काम भी शुरू किया था। हालांकि ये काम ज्यादा समय तक नहीं चल पाया। बॉबी का मुंबई के जुहू में एक लग्जरी घर है जिसकी कीमत 8 करोड़ रुपए है। इसके अलावा पंजाब में उनका एक फार्म हाउस भी है।